अगर वो धाराओं को परिवर्तित नहीं करते और ठोस धाराएं नहीं लगाते तो हम और बड़ा इसको तेज करेंगे इस आंदोलन, और इसको हम आंदोलन का रूप देंगे, क्योंकि ये खाली एक घटनाक्रम का सवाल नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। हम तीन दिन का, हमने उसके पिताजी ने बोला है कि मैं तीसरे दिन का इंतजार करूंगा, अगर तीसरे दिन में हमारे को उचित न्याय नहीं मिला, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनका घर अपराधी का घर जमींदोज नहीं हुआ, तो हम जो है सड़कों पर उतरेंगे, देहरादून बंद कर देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड को बंद कर देंगे। इसको किसी का डर ही नहीं। आप क्या सोच रहे हैं, आज वो अंदर है तो कल बाहर नहीं आएगा? वो जरूर कल बाहर आएगा, उसके पैसे पे इतना पावर है, उसकी हर जगह पहचान है, वो नेता से भी, हर किसी नेताओं से लेके पुलिस से लेके सब चीज से मिला हुआ है। उसके घर के चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग है कि उसके घर पर हमला ना हो। चारों तरफ आप नजर घुमाइएगा, सब जगह पुलिस खड़ी है कि कोई भी यहाँ पर जनता के लिए नहीं है, वो ये है कि घर बचाया जा सके। लेकिन ये देखने में आया है कि जब जब ये सरकारें डरती है तो पुलिस को आगे करती है। हम बहुत पहले से भू कानून और मूल निवास 1950 की बात करते जा रहे हैं। जितनी बार हमने आवाज उठाई, जितने बार हमने बड़ा बड़ा आंदोलन किया है, इन्होंने हमारी आवाज को दबाने की कोशिश किया है। हमारी ये डिमांड थी कि जब गोलियां चली हैं तो आपने 307 कैसे लगा दी खाली, उस पे 302 क्यों नहीं लगी, उस पे गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगा, उस पे आर्म्स एक्ट क्यों नहीं लगा, और इसकी संपत्तियों, मतलब उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा एक 307 धारा लगा करके मुकदमा दर्ज कर दिया था। चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, जितने भी लोग हैं इनके ही संरक्षण में ये लोग पनप रहे हैं। अगर ये लोग इनको सुरक्षा न दे, इनको न पन पाए, तो ऐसी घटनाएं होगी नहीं कभी। अब देखिए, इसने इन्होंने गोली चला दी, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो एक गरीब घर का लड़का है और आयुष्मान कार्ड भी उसका नहीं चल रहा है। अब ये अभी मुझे कॉल आया कि आप नहीं चल रहा है उसका आयुष्मान कार्ड, क्योंकि शूटिंग का मैटर है। हिमाकत की बात करें तो घर में किस तरह से तीन लोगों पर गोलियां चलाई गई और दौड़ा दौड़ा कर उनको मारने का प्रयास किया गया। उसके बाद आज स्थानीय यहां पर, देखिए शाम का वक्त हो रहा है, बहुत आक्रोश है लोगों में, और उसी आक्रोश को लेकर काफी महिलाएं भी यहां पर एकत्रित हुई हैं। दीदी, क्या कुछ हुआ है अभी तक यहां पर? कल 10:30-11 करीब एक बंदा है, उसने अपनी गाड़ी जो है वो बेचने के लिए दी थी, और वो गाड़ी कम दामों में बिक रही थी, तो दूसरे साथी ने क्या करा कि वो गाड़ी लगा के यहाँ पे खड़ी कर दी। तो उसने कहा कि मुझे मेरी गाड़ी वापस कर दो, उसकी गाड़ी उन्होंने वापस नहीं करी। और वो कल शाम को जब अपनी गाड़ी वापस लेने यहाँ पर आया रात को, तो वो ताक में थे उसको जान से मारने को, जिसको जान से मार भी दिया उन्होंने, उसकी घात लगा करके वो उसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने उसको जान से मार भी दिया। ऐसे खुलेआम यहाँ पर भी ये गुंडागर्दी हो रही है, और ताबड़तोड़ उन्होंने उस पर गोलियां चलाई, पूरे उसके घर से लेकर के यहाँ तक पूरे खून के निशान है, उनके निशान है जिन्होंने भाग करके अपनी जान बचाई, जो अभी इंद्रेश अस्पताल में, मैं उनसे मिल करके आ रही हूँ। गोली अभी फंसी हुई है उसके पेट में। हाँ जी, अभी उसके गोली पेट में फंसी हुई है, अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है कल से अब तक, और जो दूसरा वाला है, मतलब दोनों खतरे से, वैसे खतरे से बाहर है, लेकिन जिसके पेट में गोली हो उसके परिजनों का हाल आप सोच सकते हैं। और जो जो बच्चा चला गया, उसके अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी, तो ये यहाँ की 4 साल में उनके बच्चे से भी मिलके आया, आपने देखा होगा किस तरह उनकी वाइफ भी परेशान थी, उनके घर पर भी हम होके आए। लेकिन अभी क्या कुछ लेके आप लोग फिर वापस आए हो, क्योंकि सुबह तो मामला आपकी तरफ से हो गया। हमारी ये डिमांड थी कि जब गोलियां चली हैं तो आपने 307 कैसे लगा दी खाली, उस पे 302 क्यों नहीं लगी, उस पे गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगा, उस पे आर्म्स एक्ट क्यों नहीं लगा, और इसकी संपत्तियों, मतलब उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा एक 307 धारा लगा करके मुकदमा दर्ज कर दिया था। तो डिमांड इस बात को लेकर के थी कि ज्यादा से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे उसके ऊपर लगे, ताकि वो मजबूत केस उस पर लग सके और वो कभी जेल से बाहर ना आ सके, क्योंकि उसने यहाँ पर गोलियां चलाने के अलावा एक आतंक का माहौल भी कर रखा है। मैं आपको बता दूं, जो आतंक की बात ये कर रही है सुबह से, क्योंकि हम भी इस मामले को देख रहे थे, एक चीज बहुत स्पष्ट हुई है कि जो ये आदमी है जिसकी अब बात हो रही है भारद्वाज, यहाँ पर इसने काफी अधिक संख्या में लोगों को परेशान भी किया हुआ है, कईयों की इसने संपत्ति जब्त की हुई है, कईयों की गाड़ियां पहले जब्त कर चुका है, ये वो फाइनेंस का काम करता है। अब ये कौन किसकी देख रेख में हो रहा है, ये क्या कुछ हो रहा है, इतना पावरफुल बनने में क्यों, कैसे बन गया होगा भाई? हमारा अब उसके पावरफुल बनने का नतीजा, कारण ये है कि मजबूर लोग आते हैं बेचारे, थोड़े बहुत उनको पैसों की जरूरत है। हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि सारे पैसे वापस करने के बाद भी उससे कागज निकालना बहुत मुश्किल होता है, ये यहाँ के कई स्थानीय लोगों का भी मानना है। बिल्कुल, हाँ जी, हम भी उसके साथ शामिल, पहले उसने हमारे साथ भी ये सब कुछ किया है, जबकि हमने उनको सारे पैसे लौटा दिए थे, उसके बाद भी उन्होंने हमारे कागज सारे ले लिए थे, तो बड़ी मुश्किल से जी, और बहुत मुश्किल से कागज निकाले हमने उनसे, इतना वो इसको किसी का डर ही नहीं। आप क्या सोच रहे हैं, आज वो अंदर है तो कल बाहर नहीं आएगा? वो जरूर कल बाहर आएगा, उसके पैसे पे इतना पावर है, उसकी हर जगह पहचान है,
वो नेता से भी, हर किसी नेताओं से लेके पुलिस से लेके सब चीज से मिला हुआ है। आप ये मत समझो अभी अंदर है तो वो अंदर ही रहेगा, मगर हम जनता ने जितना करना है हम तो कर सकते हैं, मगर वो बेचारा जो चले गया उसको तो कोई अब ला नहीं सकते, लौटा नहीं सकते। अब इस बात पर एक बहस जरूर हो रही है कि 302 लगाने की बजाय 307 लगाई गई है, क्या लग रहा है आपको, ये परिवर्तित होगी आप लोगों के कहने से? अभी हम लोगों की जो डिमांड थी आज, जो हम लोगों ने यहाँ पर जो अभी जाम लगाया वो इसी को लेकर के था। अभी जो कुंदन सिंह जी आए थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसको परिवर्तित करेंगे, अगर वो धाराओं को परिवर्तित नहीं करते और ठोस धाराएं नहीं लगाते तो हम और बड़ा इसको तेज करेंगे इस आंदोलन, और इसको हम आंदोलन का रूप देंगे, क्योंकि ये खाली एक घटनाक्रम का सवाल नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। और ये जो सत्य है, और ये याद रखिएगा आप, अंकिता भंडारी के प्रकरण में पहले दिन जब हम अनंतारा रिसोर्ट में गए थे तब सिचुएशन बहुत अलग थी, लेकिन जब आम जन समूह एम्स ऋषिकेश का वो पल मुझे आज भी याद आता है, हजारों की संख्या में वहां पर जब आम जन पहुंचा था तब जाके थोड़ा सा पावर मिली थी एक माँ बाप को। खैर वो आज भी वही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बहुत कुछ परिवर्तित हुआ नहीं है उनकी जिंदगी में, भले ही पुलकित और उसके साथ ही अन्य जेल में है, लेकिन जब तक अब आम जनता और खासकर मातृशक्ति जब आगे आ रही है तो चीजें यकीनन परिवर्तित होती दिख रही है। आंटी आप भी ये किराना बिद्रे वो सोनी में बड़ा बुरा हाल करी बोल सब जगह बहुत मुश्किल होनी था सब यही हालत होनी थी। मैं जब सुबह आया था तो मैं देख रहा था कॉलोनी के अंदर, आपने देखा होगा हमने ब्लड आपको सारे दिखाते रहे, वो अभी भी ब्लड के स्पॉट्स वैसे के वैसे ही है, बहुत ज्यादा लोग बोल नहीं रहे लेकिन अगेंस्ट उसके, इतना डर क्यों है? नहीं नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब डर... बोल रहे हैं अभी देख रहा हूं। हाँ, अब... तो कोई बोलने के लिए तैयार है, डर देखिए बाहरी, देखिए उसने क्या कर रखा है कि बाहरी लोगों को, ये यूपी के लोगों को उसने अपना गार्ड बना के रखा हुआ है। अच्छा आपने एक बात देख ली होगी कि उसने सामने सामने गोलियां चलाई, तो गोली से किसको नहीं डर लगता? अब आपकी मैं कनपट्टी में गोली लगा दूं आप नहीं डरोगे क्या? तो गोली का बंदूक का डर हर किसी को है, लेकिन ये डर ज्यादा दिन का नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है ये माहौल ऐसा बन क्यों रहा है, क्यों सर ऐसा माहौल? माहौल बनने का कारण एक है सर, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मैं भी पीड़िती आदमी हूँ, यहाँ पर जो है जितनी बाहर के जो असामाजिक तत्व जो यहाँ पर आगे बसे हुए हैं और एक हमारे आदमी उनको शह दे रहे हैं, मेन कारण हमारा आदमी की गलती है। मैं चाहता हूँ अपने आदमियों को, हमारी जो यहाँ के लोकल जो रहते हैं, किसी बाहरी आदमी देखो उसके उसके अगेंस्ट जो है ना कदम उठाना चाहिए। जैसे देखा कि यहाँ पर कोई हमारी बहू बेटी है, बच्चे घूमते हैं, मैं नहीं चाहता कि उन पर ऐसा कोई आँच है, इनके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। आगे हमें इस बात का भी ध्यान रखना, हमें आगे सतर्क रहेंगे और इसके लिए हम फाइट करेंगे, बिल्कुल फाइट शायद करनी पड़ेगी। अभी जो जिसको गोली लगी थी सुभाष छेत्री, अभी अभी उसके घर से मुझे फिर कॉल आ रहा है वो, और एक समस्या और है, देखिए ये तो समस्या है ही जो गोली लगा रही, जो गुंडागर्दी यहाँ पर हो रही है, लेकिन एक समस्या ये आयुष्मान कार्ड की भी है। अब देखिए इसने, इन्होंने गोली चला दी, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो एक गरीब घर का लड़का है और आयुष्मान कार्ड भी उसका नहीं चल रहा है। अब ये अभी मुझे कॉल आया कि आप नहीं चल रहा है उसका आयुष्मान कार्ड, क्योंकि शूटिंग का मैटर है, शूटिंग के मैटर में पता नहीं उन्होंने कोड मिला कि नहीं मिला, उसके अंदर कवर होना चाहिए ना, आयुष्मान कार्ड के अंदर कवर होती है बीमारियां, तो ये एक समस्या नहीं उत्तराखंड, तो सरकार को पहले ही चाहिए कि सरकार अपने खर्चे पर उसका इलाज कराए, उसमें आयुष्मान की क्या जरूरत पड़ रही है। और ये तो इंद्रेश को भी सोचना चाहिए, इंद्रेश हॉस्पिटल भी कई तरहों से बात करता है, हम हर किसी के खड़े हैं। अभी जबकि मैं दिन में वहीं से आ रही हूँ, दिन में मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि ये गरीब घर का बच्चा है, इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो लगातार छोटे छोटे अमाउंट करके 20,000 रुपए वो कल तक उसे ले चुके हैं आज तक, और अभी उसके ऑपरेशन की नौबत आ रही है, तो अब कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है। अब जा रही हूँ वहाँ पर, अब देखिए क्या होता है। ये बड़ी बात है, चलिए हम भी बात करेंगे, बात हुई मुझे लगता है मान जाएंगे, अभी भी अगर हम बात करें तो शायद बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लड़के का नाम क्या बताया आपने? सुभाष छेत्री, उसकी गोली फंसी हुई है, अभी गोली निकली नहीं है। मैं जरा एम्स इंद्रेश के जो पीआरओ हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है शायद मान जाएंगे, बहुत बहुत दिक्कत, बहुत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं लगा रहे हो, किसी गरीब का भला हो जाए भाई, वैसे मुझे सामने मोदी जी ने कह ही रखा है 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड, लेकिन बहुत दिक्कत होती है जिनको आयुष्मान कार्ड यूज करना पड़ता है, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपने आप में, इसलिए घर वालों बिल्कुल इसके ये देगा पैसे, जिम्मेदारी है अपनी बीमारी से थोड़ी झेल रहा, वो ये देगा पैसे, सारा खर्चा ये देगा, और हमारी यही मांग है कि इसे यहाँ से पूरे उत्तराखंड से इसे बाहर निकालो, तो महिलाएं तब तक जाम लगा के रखेगी जब तक हमें एसपी साहब बिल लिखित रूप में नहीं देंगे। एक चीज जो इन्होंने बड़ी कही है जो मुझे समझ में आता है,
धामी जी यकीनन चलना चाहते हैं कि योगी के स्टाइल पर हम चलें, और बुलडोजर उन्होंने जो वनंतारा रिसोर्ट पर चलाया था वो बुलडोजर की शायद जरूरत हो। और बताया जा रहा है इस भारद्वाज के यहाँ पर 2-3 बड़े बड़े मकान बने हुए, तो क्यों नहीं उन पर कार्रवाई उस तरीके से हो। यकीनन ये होना चाहिए और सरकार को सोचना होगा। और अगर इस तरह के गुंडा, ये तो गुंडे ही है, ये किस तरह से लोगों को धमका रहे। जो आदमी पिस्टल लगता, मुझे ये भी समझ में नहीं आता, जो मैंने पहले भी बोला था कि कैसे समझिएगा, अभी अभी कुछ दिन पहले आचार संहिता खत्म हुई है और उसके तुरंत बाद इसके बाद पिस्टल वापस कहां से आई, और क्या इसने जमा नहीं की थी इन तमाम चीजों पर, और वो क्या लाइसेंसी हथियार था जिससे मारा गया है, या वो कौन सा हथियार है, वो उसकी पुष्टि हुई है या नहीं हुई है, ये तमाम जांच के दायरे में। ये मातृशक्ति हमारे हमेशा खड़ी तो रहती है, लेकिन क्या इनके लिए न्याय कब होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मैं अभी हम लोगों को भी डर है, अगर ये छूटता है तो हम सारी महिलाओं को डर है, क्योंकि ये अब हमारे पीछे भी करेगा। हमें अपनी भी सेफ्टी चाहिए, जब तक हम इसे बाहर मत निकालो। और इसके हम सरकार से यही विनती करते हैं कि इसके घर में बुलडोजर चलाओ। ये तो मुझे यकीन है, मुझे याद है उत्तराखंड आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका हमारी मातृशक्ति की रही थी, जिसकी वजह से तमाम चीजें हुई, चाहे वो मुजफ्फरनगर कांड हो या मसूरी, हर जगह हमारी मातृशक्ति बड़ी डटके रही है, और यहाँ मुझे वही शक्तियां दिख रही हैं। तो ये बड़ी बात है कि देवभूमि में जब जब आफतें आती है तो हमारी मातृशक्ति खड़ी रहती है। नमन आप सबको भी, और लगातार हम भी इस मामले में बने रहेंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है। क्षेत्र के मिस्टर पार्षद जो है, एक्स पार्षद, उनको आना चाहिए था, वो अभी तक नाराज है। आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आने वाला अभी पार्षद का चुनाव, ये बड़ी बात है, अभी पार्षद का चुनाव होने वाला है, किस मुंह से आओगे। विधायक आए, विधायक ने क्या बोला? विधायक ने तो जब सुबह यहाँ पर डेड बॉडी लेकर के बैठे हुए थे, सब लोगों ने जाम लगा रखा था, तो विधायक साहब ने तो बोला कि जाम खोलो और ये बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाने दो। बस आइए सर, आप कुछ बोल रहे हैं, मुझे यकीनन वो लोग अच्छे लगते हैं जो आवाज निकाल पा रहे हैं। क्या चाहे विधायक हो चाहे पार्षद हो, जितने भी लोग हैं इनके ही संरक्षण में ये लोग पनप रहे हैं। अगर ये लोग इनको सुरक्षा न दे, इनको न पनपाए, तो ऐसी घटनाएं होगी नहीं कभी। तो सबसे बड़े दोषी ये हैं, दूसरे दोषी हैं हम सभी लोग, हम जनता। अगर हम लोग देखो, आज उस घर में हम अभी गए थे, वहाँ क्या हालात है, एक ही बेटा था उनका। आज अगर उनका नंबर है, कल हम सबका नंबर आने वाला है। आज भी अगर नहीं जागे तो उत्तराखंड बिल्कुल बर्बाद की स्थिति में। वो 4 साल का बच्चा इंतजार कर रहा है कि उसके पापा आएंगे और उसको नहलाएंगे, और अभी तक उसने वो चेंज नहीं किया। उत्तराखंड में जो सख्त भू कानून की जो डिमांड है, बिल्कुल ये जो सख्त भू कानून की डिमांड है, शायद अगर वो डिमांड पूरी हो कर दे सरकार, हम तो भाई अपील ही कर सकते हैं। और अगर अपील करने पर भी नहीं मानेंगे, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, तो एक बड़ा आंदोलन का रूप एक दिन ये जरूर लेगा। क्योंकि जब तक सख्त भू कानून नहीं बनेगा, क्योंकि ये बाहरी लोगों ने किया है, ये काम गांव के लोगों ने नहीं किया है, ये काम बाहरी लोगों ने किया है। जब तक बाहरी लोग, मैं तो लग दू अगर गढ़वाली इतना तो गिरी नहीं सकू कभी के, तो वो गोली मार, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता। और उसकी उसकी उनकी वाइफ ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि वो चाहते तो केवल अगर डरा के भी बोलते कि भाई चला जाए, ऐसे गाड़ी नहीं मिलनी, तो वो जब भी चले जाते, वो इतने दिल के कच्चे थे। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जनता की आवाज सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। आपको हम बता दें कि आज वो आदमी वहाँ पर, जो एक फौज से नौकरी करने के बाद, देश की सेवा करने के बाद अपनी सेवा नहीं कर पाया, उसका एकमात्र कारण हम जनता हैं। अब जनता जब सुझेगी, ये समझ में नहीं आ रहा, हमारी बहन अंकिता, हमारी बेटी अंकिता के साथ इतना बड़ा केस हुआ, उनके बीजेपी के लोग आते हैं और उनमें एक भी शब्द नहीं बोला है। ऐसा ही आज ये केस हो गया है, ये बहुत बिल्कुल उत्तराखंड और भारी के बीच एक युद्ध होने वाला है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि हम बहुत पहले से भू कानून और मूल निवास 1950 की बात करते जा रहे हैं। जितनी बार हमने आवाज उठाई, जितने बार हमने बड़ा बड़ा आंदोलन किया है, इन्होंने हमारी आवाज को दबाने की कोशिश किया है। मैं फिर से पुनः आपको निवेदन करता हूं कि एकमात्र जो सरकार और जो जनता का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, ये आप लोगों के माध्यम से सबको आप लोग जागरूक करें, और सब मेरी माता बहनें सब जागरूक हो जाएं और आने वाले दिनों को बचाएं। नहीं तो अभी जैसे हमारे भाई भंडारी जी बोल रहे थे कि आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ हुआ, हमारी बहन दिल्ली में भी मारे जाते हैं, हमारे भाई दिल्ली में ही मारे जाते हैं, हमारे भाई अग्रवाल में मारे जाएंगे, हमारे भाई देहरादून में मारे जाएंगे, तो हम लोग कहां जाएंगे? मुझे वही लगता है, मैं हमेशा बोलता हूं ये बात, हमेशा बोलता हूं मैं, कि हमें लगता है कि जब तक मेरे घर में आग नहीं लगी तो मैं चुप हो जाऊं, तो और इंतजार मत कीजिए उस चीज का। और कई लोग ये भी इंतजार करते हैं, यार ठीक है सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह कहीं पैदा तो होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में ना हो, बगल में हो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर आवाज उठनी है तो सबको आज उठानी होगी। और ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, ये इसीलिए पहुंचे हैं कि ये इनके घर का मामला नहीं है,
पर कल इनके घर में भी हो सकता है, तो उन संभावनाओं से आप बच नहीं सकते। ये तमाम जो भीड़ है यहाँ पर आप देखिएगा, इन्हीं तमाम लोगों को रोकने के लिए आज सुबह से यहाँ पर 2 PAC की बड़ी बस पहले से ही लाई गई है। उसके घर के चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग है कि उसके घर पर हमला ना हो। अगर यहाँ से एकदम से जाने लग जाएंगे तो आप पुलिस फोर्स देख सकते हैं, चारों तरफ आप नजर घुमाइएगा, सब जगह पुलिस खड़ी है कि कोई भी यहाँ पर जनता के लिए नहीं है, वो ये है कि घर बचाया जा सके। एक बात बता दें हम कि जो जो पुलिस अभी जो मदद दे रही है वो अपराधी को दे रही है, अपराधी को बचाने के लिए काम कर रही है, जो कि गलत बात है। नहीं, पर वो भी तो ड्यूटी कर रहे हैं साहब, आप देखिए उनको तो आदेश मिले हैं। हम नहीं जा रहे, समझिएगा, हमारे उत्तराखंड के आदमी इतना अपराधी नहीं है कि उसने अपराध कर दिया तो तुरंत हम अपने हाथ में कानून ले रहे हैं। हम तो कानून से मदद मांग रहे हैं, लेकिन ये देखने में आया है कि जब जब ये सरकारें डरती है तो पुलिस को आगे करती है। हम इस मामले को लेकर के भी खंडन करना चाहेंगे। अभी हम 3 दिन का, हमने उसके पिताजी ने बोला है कि मैं 3रे दिन का इंतजार करूंगा, अगर 3रे दिन में हमारे को उचित न्याय नहीं मिला, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनका घर अपराधी का घर जमींदोज नहीं हुआ, तो हम जो है सड़कों पर उतरेंगे, देहरादून बंद कर देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड को बंद कर देंगे। मैं एक सैनिक हूँ और मैं प्रण करता हूँ, मैं भारत देश की कसम खाकर, उत्तराखंड की कसम खाकर और अपने 42 साधुओं की कसम खाकर कहता हूँ कि यह जनता मेरे साथ होगी और हम पुनः उससे जो है इस युद्ध को 1984 की तरह लेकर आएंगे और एक बार पुनः स्वतंत्र उत्तराखंड बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, और यकीनन उत्तराखंड जब बनाया भी गया हो, ये वही गली है, देखिएगा जो चीजें हो रही हैं। आज ये मैं हमेशा बोलता था कि अंकिता की मौत एक शहादत थी जिसने उत्तराखंडियों को एक होना बताया है। ये शायद एक दूसरी घटना उस चैप्टर में जुड़ेगी। अगर न्याय नहीं हुआ, अगर 302 अप्लाई नहीं हुई, या और धाराएं जैसे दीदी बता रही है, आर्म्स एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, संपत्ति का कानून है, जितनी भी इसमें लगनी चाहिए वो सब लगेंगे इसमें। और हमने तो 2 दिन का वक्त दिया है, हमने तो 3 दिन का नहीं दिया है। फिर 2 दिन हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं और डटे रहेंगे, क्या कुछ हो रहा है। जुड़े रहिएगा आप भी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, माता हूँ।